जब समय बहुत ही कम है और आपको जल्दी से कुछ मीठा बनाना है, तो आप ये नारियल और रवे का लड्डू, जो कि बिना घी का बनता है, बना के जरूर देखिएगा। लड्डू के लिए ले लें पहले आप 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर, 1 कटोरी फाइन कोकोनट पाउडर, ये नारियल का पाउडर, 4 से 5 इलायची का पाउडर और 1/4 कप दूध। ये जो दूध है वो उबाल के ठंडा किया हुआ है। और रवा आप थोड़ा सा मोटा लेना, एकदम बारीक रवा नहीं लेना। फिर आप रवा को एक एयर टाइट स्टील डब्बे में डाल दें, कुछ इस तरीके से। कुकर को आप मीडियम टू हाई फ्लेम में रखें, उसमें पानी डालें और फिर उसमें ये स्टील का बर्तन आप रख दें और इसे आप कम से कम 8 सीटी के लिए अच्छे से पका लें। और ये 8 सीटी में जो रवा है वो अच्छे से पक चुका है, तो कुकर का प्रेशर आप अपने आप जाने दें। और अब हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जहाँ पर आप पहले बर्तन को आप कपड़े से ही पकड़ें, क्योंकि ये रवा और बर्तन काफ़ी गर्म रहता है। और उसे आप पहले एक बड़े चौड़े बर्तन में खाली कर दें। आप बिल्कुल रवा को ठंडा होने मत दीजिएगा, इसे हमेशा गरम गरम ही बनाया जाता है। तो इसमें मैंने चम्मच की सहायता से पूरा जो डब्बा है वो खाली कर लिया है, क्योंकि जब हम गरम गरम रवा में शक्कर डालेंगे तो उससे शक्कर थोड़ी सी पिघलेगी। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से सारा रवा आप निकाल लें। अगर बर्तन के नीचे में भी कुछ चिपका हुआ है तो आप वो भी चीज़ निकाल लें। तो आप इसमें 8 से 9 सीटी भी ले सकते हैं कुकर में पकाते वक्त, क्योंकि वही समय होता है जब जो रवा है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखिए, थोड़ा बर्तन के नीचे भी ये चिपक जाता है, तो आप उसे भी खाली कर लें। और बस अब आप देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसमें आप डाल दें पिसी हुई शक्कर। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर 3/4 कप पिसी हुई शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मोस्टली इसमें 1 कप शक्कर डालती हूँ, क्योंकि इसमें जब हम कोकोनट पाउडर भी डालेंगे तो उसका और रवे का क्वांटिटी 2 कटोरी हो जाएगा, मतलब 2 कप। तो इसी हिसाब से 1 कटोरी शक्कर इसके लिए काफ़ी परफेक्ट है। और ये देखिए, डालने के बाद फिर आप इसमें डाल दें इलायची पाउडर। आप इसमें थोड़ा सा जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 या 2 चुटकी, उससे भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर इसे आप अच्छे से मिला लें ताकि तीनों चीज़ अच्छे से मिल जाए। तो मेरे कैमरे में जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये एकदम ब्राइट दिख रहा है, नहीं तो इसका कलर रवे के जैसे ही होता है। तो आप तीनों चीज़ें, रवा, शक्कर और नारियल पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लें पहले। और ये देखें कि जितना शक्कर जो है वो पिघल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने 1/4 कप दूध रखा हुआ था, आप इसमें कच्चा दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा और एकदम गर्म दूध भी मत डालिएगा। जो उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है वही आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। आप इसमें दूध तब तक डालिए जब तक इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए। तो दूध को आप देख रहे हैं, मैंने हाथों में लेकर इसे फैलाया है। तो आप ये दूध जो है, अगर आपको आधा कटोरी दूध लग रहा है तो आप आधा कटोरी दूध भी इसमें डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि रवा किस तरीके का है। तो आप इसे अच्छे से बाइंड करते रहिए। मुझे इसमें आधा कटोरी दूध लगा, क्योंकि अब ये लंदन में खरीदा गया रवा है तो ये थोड़ा ड्राई होता है। आपको इसमें 1/4 कटोरी से आधा कटोरी दूध जरूर लगेगा। तो आप बहुत ज़्यादा दूध भी इसमें मत डालिएगा, नहीं तो लड्डू बहुत ही गीले बन जाएंगे और वो अच्छे से शेप भी उसमें नहीं आ पाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट इस रेसिपी की ये है कि इसमें घी बिल्कुल भी नहीं लगता है और जो हम बाइंडिंग है वो दूध से कर रहे हैं। और अगर जिनको डाइट का काफ़ी ये है कि हमको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है और घी नहीं खाना है, तो आप इसमें वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप अच्छे से मिक्स कर लें दूध को, ताकि जो रवा है वो अच्छे से दूध भी एब्जॉर्ब कर ले और ये अच्छे बाइंडिंग बन जाए। और ये देखिए, कितने अच्छे से इसमें लड्डू बन जा रहे हैं। आपको 2 हाथ यूज़ करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, 1 हाथ से ही आप इसे अच्छे से शेप दीजिए। और ये देखिए, मैं इसे अंगूठे से बाहर की तरफ कर रही हूँ और फिर चारों उंगलियों से अंदर के साइड, तो इससे इसका लड्डू का बहुत ही अच्छा शेप आ गया है। आप लड्डू हल्के हाथों से बिल्कुल भी मत बनाइएगा, थोड़ा इसमें प्रेशर डालकर आप इसे राउंड करिए, नहीं तो कई बार फिर होता है कि रवे के लड्डू टूटने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसे अगर हल्के हाथों से बना दिए। और थोड़ा सा मेरे पास जो कोकोनट का पाउडर है वो बचा हुआ है, तो आप इसमें अच्छे से इसे लपेट दें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लड्डू एक दूसरे से चिपकते भी नहीं हैं। देखिए कितना अच्छा लड्डू बन चुका है। तो मेरे पास इसमें लगाने के लिए ड्राई फ्रूट में चिरौंजी था,
तो आप इसे उसके ऊपर लगा सकते हैं और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। आप एक एयरटाइट डब्बे में ये लड्डू को रखें जिससे 3 से 4 दिनों तक ये लड्डू बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।